जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो श्रीमत को पूरा पकड़ नहीं पाती, बाप को पूरा पहचान नहीं पाती, इसलिए और धर्म पिताओं को अपना बाप बना लेती हैं, बाप के ज्ञान को छोड़ देती हैं, बाप को छोड़ जाती, बाप को ही भूल जाती। तो जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है। बाप जिन आत्माओं को तैयार करते हैं वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बीज रूप आत्माएं 9 लाख सितारे के रूप में हैं। वो सितारे हैं आसमान के सितारे और ये हैं धरती के सितारे। ये धरती के सितारे कोई बाप के बहुत नज़दीक होकर के पार्ट बजाते हैं। कौन सा बाप? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आत्माओं का बाप संगम युग में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं और आप समान बनाए देते हैं। कैसा आप समान? जैसे बाप आत्मिक स्थिति वाला है ऐसे ही वो सारे संसार की बीज रूप आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप शिव बाबा का टाइटल धारण कर लेता है। जो मुरली में कहा है सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम सिर्फ है एक ही शिव बाबा है। तो वो आत्माएं बीज रूप आत्माएं नंबर वार, क्योंकि सब तो धर्मराज की सजाओं से नहीं बच पाती। कितनी बचती हैं? 8 ही बचती हैं। इसलिए जो अष्टदेव कहे जाते हैं वो बाप के साथ 84 जन्मों में जन्म जन्मांतर साथ ही बन करके रहते हैं। और धर्म पिताओं और उनके धर्मों का संग का रंग उनमें नहीं लग पाता, इसलिए वो पूरी रीति कर्मा कर्म विकर्म की गति को श्रीमत से ग्रहण कर लेती है और जन्म जन्मांतर सुखी रहती है। बाबा ने बोला हुआ भी है और धर्मों को आधा सुख और आधा दुख मिलता है इस सृष्टि में, लेकिन तुम बच्चों को नंबर वार पौना सुख मिलता है। एक मुरली में तो ऐसे भी बोला, कि कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। क्यों? ये इतने सुख में रहने की अभ्यास कहां से डाली है? संगम युग में ये अभ्यास डाला जाता है। यहाँ जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना वहाँ द्वापर और कलयुग की रजो प्रधान तमो प्रधान सृष्टि में भी सात्विक स्टेज में रहेंगे।